हेलो गाइस, जिला नमस्कार, चैनल स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। निकोलस पूरन वेस्टइंडीज के युवा बैट्समैन विकेट कीपर जिनकी चर्चा कल रात से हो रही है। दरअसल हुआ क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान रॉयल्स जो है वो 223 रन का टारगेट चेज कर रहा था। आठवें ओवर में संजू सैमसन ने एक छक्का मारा रवि बिश्नोई की गेंद पे, बाउंड्री पे बॉल गई, मतलब छक्का ही था, वो छक्का ही चला गया था, लेकिन निकोलस पूरन ने ड्राइव मारते हुए हवे में गेंद को लपका, उसके बाद हवे में ही वापस फेंका, फिर मैक्सवेल ने वो गेंद पिक करके विकेट कीपर तक पहुंचाया। कहाँ 6 रन था, कहाँ 2 रन हुआ, और सुनने में आपको लग रहा होगा, लेकिन आपने वो नहीं देखा फुटेज तो आपको दिख जाएगा फुटेज। यहाँ पे मैं फुटेज नहीं डालूंगा, फोटो एक दो डाल देता हूँ, क्योंकि क्लेम का इशू है। बहुत कमाल की फील्डिंग, और तभी से उनकी चर्चा होने लगी, और खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर सर ने उनके बारे में ट्वीट किया, उनका फोटो पोस्ट किया, और उन्होंने लिखा कि अभी तक का सबसे बेस्ट फील्डिंग कैच उन्होंने देखा कल रात को। किंग्स इलेवन पंजाब के साथ फिलहाल खेल रहे हैं, और आपको बता दूं निकोलस पूरन जो है वो उनका 2015 में एक कार क्रैश में दोनों पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों ने भी बोला कि आप कभी क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग किया है, वो अपने आप में एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है सभी यंगस्टर्स के लिए। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें आईपीएल अपडेट्स के लिए, फिल्मों के रिव्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय हिंद।